हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जेएससी सीजीएल का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और 2-3 दिनों में आपका एग्ज़ाम होने ही वाला है, तो मैं आप लोगों के लिए सबसे लास्ट 6 महीने के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आप वन शॉट में देख करके एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओ, इसके लिए आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। अगर आपको लगता है कि आपने करंट अफेयर्स की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन ढंग से कर ली है और वीडियो या फिर किसी और मीडियम में जाने की जरूरत नहीं, तो मेक श्योर आप एक बार वीडियो के 2-4 क्वेश्चन देख लो। अगर आपको लगता है कि हाँ आप ये क्वेश्चंस को ठीक से डील कर पा रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको पूरी वीडियो देख लेनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो सीरियस स्टूडेंट है पूरी वीडियो देखें, क्या पता इससे 2-4 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए। और मैं आपको गारंटी देता हूं 2-4 क्वेश्चन डेफिनेटली इससे पूछे जाएंगे। बाय द वे, वीडियो पूरा पसंद आए तो नीचे कमेंट करके पार्ट 2 जरूर लिखिएगा और इसके लिए वीडियो में आप लोगों के लिए पार्ट 2 जरूर बना दूंगा। और इस वीडियो को कहां से आप देख रहे हो वो भी आप नीचे मेंशन करिएगा। चलिए मिलते हैं और सीधे जो है क्लासेस की ओर बढ़ते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये रहा रैपिड एपोसिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ प्लेनेटरी डिफेंस मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी। अब आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ दिया गया कि रैपिड एपोसिस मिशन जो है स्पेस सेफ्टी का, ये न्यूज में रहा है, आपको बस ये बताना है कि किस स्पेस एजेंसी का ये जो है पार्ट है, किस एजेंसी का ये जो है मिशन है। नासा अमेरिका का, इसरो इंडिया का और ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये जो है यही है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जाक्सा जो है जापान का स्पेस एजेंसी है। तो फिलहाल देखिए, जब आप पढ़ोगे इंडिया के बारे में और या फिर इंडिया के नेबरिंग कंट्री के बारे में, तो आपको जो है अलग अलग कंट्री के, जो जैसे यूरोपियन यूनियन का हो गया, ESA हो गया, ये तो ये इंपॉर्टेंट है। जाक्सा जापान का है, तो जापान के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो यहां से भी सवाल पूछा जाता है। और नासा के बारे में तो बच्चे बच्चे को पता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, उससे पहले यहां से आप देख पाओगे, यूरोपियन स्पेस एजेंसी अनाउंसेस मिशन टू स्टडी एपोसिस एस्ट्रॉइड, ठीक है। और इसकी जो है देखो यहाँ पे बता दिया गया है, विल कम विद इन 32,000 किलोमीटर ऑफ अर्थ इन 2029, यानी कि 2029 में जो है ये 32,000 किलोमीटर तक चला जाएगा, तो ये बड़ी बात है। और ये और यहाँ से क्वेश्चन आप देख पाओगे, विच कंट्री अनाउंस्ड ज्वाइंट नेवल एंड एयर ड्रिल्स विथ रशिया, यानी कि नेवल एक्सरसाइज भी करने वाले हैं, पानी में भी जो है एक्सरसाइज करेंगे और एयर ड्रिल भी करेंगे, किसके साथ? रशिया के साथ। अगर आपको लग रहा है कि हाँ रशिया के साथ हमारी दोस्ती अच्छी है इंडिया की, तो इंडिया लगा लेंगे, तो बिल्कुल नहीं। रशिया का एक और दोस्त है, मित्र है, वो है चाइना। याद रखिएगा, रशिया जो है चाइना से ज़्यादा टिल्ट होता है, क्योंकि दोनों जगह पर जो है वहाँ पे जो कम्युनिस्ट की जो है गवर्नमेंट है, रशिया में भी और चाइना में भी, दोनों डिक्टेटर भी हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चाइना इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए के साथ आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में भी पढ़ लीजिए, इसका नाम रखा गया है नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नॉर्दर्न यूनाइटेड 2024 किन दो देशों के बीच जो है नेवल और एयर ड्रिल होने वाला है, तो आपको जो है चाइना और रशिया दोनों का नाम यहाँ पे मेंशन करना होगा। अब आगे देख लीजिए, आर्टिकल के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो देखिए, सी ऑफ जापान में, याद रखिएगा जापान के साथ जो है जो बॉर्डर है वो जो है रशिया भी शेयर करता है और चाइना भी शेयर करता है, और दोनों के साथ जो है जापान के डिस्प्यूट है, जापान के साथ जो है दोनों की जो है दोनों का जो है 36 का आंकड़ा है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है, सीताराम येचुरी, आपको पता होगा कि ये रिसेंटली जो है 12 तारीख को इनका देहांत हो गया। सीताराम येचुरी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे। अब आपसे पूछा गया कि इनकी पर्सनालिटी जो है किस फील्ड में थी, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या थे? पॉलिटिशियन थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, शायद ये पहले कांग्रेस में भी रह चुके थे। फिलहाल यहाँ से देख लीजिए, CPM जो CPIM है उसके लीडर सीताराम येचुरी जो है 72 ईयर्स के थे और इनके बॉडी को देखो एम्स में दान दे दिया गया है। एक्चुअली जो है इनके बॉडी के ऊपर जो है मेडिकल स्टूडेंट जो है जो भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वगैरह हो सकता है या फिर रिसर्च जो किया जा सकता है वो यहाँ पे किया जाएगा, तो हम लोगों को भी इस तरह की सोच रखनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, विच कंट्री बिकम 101 फर्स्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि ISI का जो 101 मेंबर है वो कौन सा देश बना हुआ है? पैराग्वे, नेपाल, लाओस या फिर चाइना? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पड़ोसी देश नेपाल। और देखिए जब आप सेक्शन सी में देखोगे या फिर करंट अफेयर्स वाले सिलेबस को देखोगे, वहाँ पे बोल दिया गया कि आपसे इंडिया और इंडिया के नेबरिंग कंट्री के बारे में सवाल जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो ऐसे में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही VVI है और किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली ये जो है बात है बहुत VVI है। नेपाल इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से जो है आकाशवाणी के आर्टिकल को आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख पाओगे नेपाल हैज बिकम द 101 कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इसका जो है फुल मेंबर बन चुका है, ठीक है। चलिए अगले, और कहाँ बना है? दिल्ली में बना हुआ है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पोजीशन डज इंडिया होल्ड इन द ग्लोबल 5G स्मार्टफोन मार्केट एज रिपोर्टेड बाय द
काउंटर पॉइंट रिसर्च। देखिए एक रिसर्च जो है काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा जो है जारी की गई है, 5G स्मार्टफोन जो है किस देश में सबसे ज्यादा है, तो देखिए इसका सबसे आंसर क्या हो जाएगा, चाइना के पास सबसे ज्यादा 5G स्मार्टफोन है, इसके बाद इंडिया के पास है, और इंडिया ने जिसे पीछे छोड़कर जो है दूसरे नंबर पर इंडिया पहुंचा है, और तीसरी जो कंट्री है उसका नाम है USA, यानी कि पहले नंबर पे कौन है, चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे नंबर पे आपको USA देखने को मिलेगा। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इंडिया जो है सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे आ चुका है। चलिए यहाँ से इसका थोड़ा सा आर्टिकल वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इकोनॉमिक्स टाइम्स की जो है आपको न्यूज़ दिखेगी, इंडिया पिप्स USA टू बिकम सेकेंड लार्जेस्ट 5G स्मार्टफोन मार्केट, तो बहुत बड़ी बात है, और हम लोग आशा करते हैं कि 6G में जो हम लोग चाइना को पीछे छोड़ पाएं, उम्मीद है हम लोग अमेरिका को पीछे छोड़ सकते हैं, तो ऑब्वियसली चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं कभी ना कभी। अगला सवाल देखिए क्या है, विच कंट्री रिफ्यूज टू साइन एग्रीमेंट टू बैन AI फ्रॉम द कंट्रोलिंग न्यूक्लियर वेपन, यानी कि न्यूक्लियर वेपन जो है, देखिए एक्चुअली देखो AI आपको भी पता है, डीप फेक वाले वीडियोज आपने देख रखे होंगे कि किसी का भी जो है बिल्कुल हूबहू जो है, आप लोगों ने मोदी जी का जो है मेलोनी के साथ जो है बहुत सारी वीडियोज वगैरह जो है आपने देख रखी होगी, इसके अलावा मोदी जी की आवाज़ में या फिर किसी सिंगर के आवाज़ में जो है गाना गाया जा सकता है। ऑब्वियसली वो जो है एग्री करेंगे नहीं, क्योंकि अब आर्टिस्ट से अगर एक्चुअली अमेरिका में ना एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था कि AI से जो है फिल्म इंडस्ट्री में जो है काम नहीं किया जा सके, तो वहाँ पे राइटरों की जो है हड़ताल हुई थी। तो फिलहाल यहाँ पे पूछा गया है कि न्यूक्लियर वेपन जो है ना उसको AI कंट्रोल नहीं करेगा, तो देखिए इसमें ना 101 या 110 देश जो है एग्री कर गए हैं कि हम लोग जो है AI के हाथ में जो है ये पावर नहीं देंगे कि जो है न्यूक्लियर वेपन को ये कंट्रोल करे, लेकिन एक कंट्री था वो है चाइना, चाइना ने कहा नहीं हम ऐसा बिल्कुल नहीं मानते, और चाइना जो है इसको कभी सपोर्ट नहीं करेगा, हम लोग जो है AI से भी कंट्रोल करेंगे। तो इसका मैं आर्टिकल आपको यहां से दिखा देता हूं, वेट अ मोमेंट, यहां से देखो यहां पे बोल दिया गया, यहां से देखिए 100 देशों ने जो है यहां पे REAIM के जो यहां पे बैठक हुई थी सब लोग रेडी हो गए थे, बट चाइना ने रिफ्यूज कर दिया कि नो वी डोंट वांट दिस बैन, हम लोग जो है इस बैन को नहीं करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज आपको दिखेगी। अगला सवाल देखिए पूछा गया है, विच कंट्री रिसेंटली कॉल्ड फॉर एन इस्लामिक अलायंस अगेंस्ट इसराइल, देखिए इसराइल पढ़ो या फिर इसराइल पढ़ो आप, इसराइल के खिलाफ किस देश ने जो है बात करी है इस्लामिक अलायंस बनाने की, और बेसिक बात है कि जो इसराइल है उसका 36 का आंकड़ा है अदर मुस्लिम कंट्री से, तो यहाँ पे इस्लामिक अलायंस बनाने की बात की जा रही है, किस कंट्री ने ये जो है प्रस्ताव दिया है, ये जो है प्रोजेक्ट रखा है, तो इसका सही जवाब जाएगा टर्की। एक्चुअली आप टर्की बोलो तुर्की बोलो, एक्चुअली इसका नाम बदला गया है। देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस कंट्री का जो है नाम बदला गया है, तो आपको जो है तुर्की बताना है, ठीक है, पहले इसे टर्की बोला जाता था अब तुर्की बोला जाता है। और कतर के बारे में आपको बता दूं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आर्मी स्कूल में कि कतर में ना हमारे कुछ नेवल एक्सरसाइज नेवी के जो ऑफिसर्स थे रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे इन्होंने जो है कतर में सेवा देनी शुरू की थी, प्राइवेट बहुत सारे कंपनीज होती है उसमें देने की जो है सेवा देने की कोशिश की थी, लेकिन स्पोनाज के जो केसेस थे इन पे लगाए गए, यानी कि इन्होंने जो है इसराइल के लिए कहा गया तथाकथित कि इसराइल के लिए इन्होंने जो है जासूसी करी है, फिर भारत की डिप्लोमेसी के कारण जो है कतर ने इन सभी नेवल ऑफिसर को इंडिया छोड़ दिया था, तो ये इस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, और जो टर्की है या फिर जिसे आप जो है तुर्की भी बोल सकते हो, एर्डोगन वहाँ के कौन है, प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने जो है इसे अलायंस बनाने की बात कही है, ठीक है। इसराइल जिस तरह से जो है फिलिस्तीन में बमबारी कर रहा है, इजिप्ट को भी धमकाता है वो, तो इसराइल ईरान का तो वो परम जो है मित्र है, आपको पता है, एक्चुअली मैं सरकास्टिक वे में कह रहा हूँ, ईरान के साथ भी जो है इसराइल का 36 का आंकड़ा है। अगला सवाल देखिए क्या है, बरक न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री, यानी कि जो बरक न्यूक्लियर प्लांट है ये एक्चुअली UAE में है, कहाँ पर है, UAE में है, और इंडिया के जो PM है नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए हुए थे, और 15 साल की जो है डील करी गई कि हम लोग को गैस सप्लाई जो है UAE देगा, और हम लोग जो है UAE की भी मदद करने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख पाओगे 4th यूनिट एट UAE बरक प्लांट एंटर्स कमर्शियल ऑपरेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, और यहाँ से जो है आपको बताना है एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा पेरिस ओलंपिक से। देखिए ओलंपिक का जो गेम है अभी पेरिस में हुआ है, अब आपको ये बताना है कि पेरिस में इंडिया ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, नीचे कमेंट करके आप लोग बताओगे, और इंडिया की ओर से किसने सिल्वर मेडल, एकमात्र सिल्वर मेडल जीता गया था, कितने गोल्ड इंडिया के द्वारा जीते गए और सिल्वर मेडल किसने जीता है, इसके बारे में आप नीचे कमेंट करके बताओगे। दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है क्वेश्चन ऑफ द डे में, जो इसका सही आंसर करेगा अगले वीडियो में उनके नाम की अनाउंसमेंट की जाएगी। अगला वीडियो जो है परसों आपको डे आफ्टर टुमारो आपको मिल जाएगा। फिलहाल अगला सवाल देखिए क्या है, कपिल परमार ये रिसेंटली न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में है, पैरा ओलंपिक, देखिए पैरा ओलंपिक वैसे
जो एथलीट होते हैं ना, जिनके हाथ पांव में या फिर चलने फिरने में तकलीफ हो, जो देख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो उन पर्सन की जो है यहाँ पे पैरा ओलंपिक को जो है होस्ट किया जाता है। अब देखिए वहाँ पे कपिल जो परमार है, उन्होंने पहली बार, फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने जूडो में जो है यहाँ पे इंडिया के लिए मेडल लाया। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल लाया। तो ये बहुत बड़ी बात है, ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, जूडो में इंडिया ने पहली बार यहाँ पे मेडल जीता हुआ है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए इंडिया जो है पैरा ओलंपिक में 18वें पोजीशन पे रहा, 18th पोजीशन पे, और इंडिया ने टोटल 6 जो है यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता हुआ है, और टोटल मेडलों की संख्या जो है वो 27 है। कितनी? 27। चाइना फिर से एक बार यहाँ पे टॉप है 196 मेडल के साथ, 86 गोल्ड मेडल चाइना ने जीता हुआ है। यहाँ से आप जो है परमार के बारे में, परमार जी के बारे में पढ़ सकते हो, ब्रॉन्ज मेडल जो है इनके द्वारा जीता गया है। आगे बढ़ेंगे, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2024 पैरा ओलंपिक गेम्स इन पेरिस। देखिए ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पैरा ओलंपिक कहाँ हुआ है, पेरिस में हुआ है। अब इंडिया ने कितना मेडल जीता है, मैंने अभी आपको बताया। एक्चुअली देखो यहाँ पे दिखेगा आपको ऑप्शंस में, वेट अ मोमेंट, एक्चुअली ये थोड़ा पुराना है ये जो डेटा है, सॉरी फॉर दैट, ये डेटा एक दिन का पुराना था। यहाँ पे आप देख पाओगे डेट भी है 7/9/2024, और यहाँ देखो ये 9 की है डेटा, ठीक है। 9 में इंडिया ने टोटल जो है मेडल यहाँ पे 29 जीत चुका है, इंडिया जो है टोटल 29 मेडल जीत चुका है, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, यहाँ से आप देख पाओगे 20 मेडल हॉल जो है इंडिया का रहा है यहाँ पे हिस्टोरिक, ये पहली बार है इंडिया इतने स्ट्रेंथ के साथ जो है मेडल यहाँ पे लेकर आया हुआ है। अगला सवाल है, रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलार फेस्टिवल ऑर्गेनाइज। और मैंने आपको उसी समय जो नेपाल एक्चुअली यहाँ पे शामिल हुआ था, मैंने वहीं पे आपको बताया था कि ये न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली में ये हुआ है। यहाँ से आप देख पाओगे आकाशवाणी के जो है यहाँ पे आर्टिकल है, ये आप देख पाओगे, पीएम मोदी वर्चुअली एड्रेस फर्स्ट इंटरनेशनल सोलार फेस्टिवल बींग हेल्ड इन दिल्ली। कहाँ पर? 5 से 6 सितंबर को ये किया गया था। तो बहुत ही रिसेंटली वाला जो है करंट अफेयर्स में आपको करा रहा हूँ। सुपर टाइफून यागी विल स्मैश इनटू द विच कंट्री। कौन से कंट्री को जो है टाइफून यागी जो है स्मैश करने वाला है? यहाँ से आर्टिकल देख लीजिए, आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ये जो है चाइना को। कौन है? टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आपको दिखेगा, ये चाइना को जो है क्या करने वाला है? हिट करने वाला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी के साथ आप आगे बढ़ोगे। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए ये जो है ना, इन क्वेश्चंस को देखिए मैं आपको सीधा सीधा तरीका बताता हूँ, या तो आप सारे क्वेश्चन आंसर कर लें, नोट्स आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो, लेकिन मेरी पूरी जिम्मेदारी है आप तक इन्फॉर्मेशन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की। सारे क्वेश्चंस को आप जो है उतार लो, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर पीडीएफ बना लो, या फिर दूसरा तरीका है कि वीडियो को 2 या 3 टाइम्स देख लो। पहली बार में तो आप आंसर देख पाओगे, दूसरी बार में ना वॉल्यूम को खत्म कर देना, म्यूट कर देना वीडियो को, एंड देखना कि कौन सा आंसर सही हो रहा है और आपके कितने बन रहे हैं। बिल्कुल अपने ऑनेस्ट, अपने के साथ जो है ऑनेस्टी के साथ जो है आगे बढ़ना है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। USA, UK और EU यानी कि यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है यहाँ पे, रिसेंटली साइन द वर्ल्ड्स फर्स्ट टेरेटरी, जो ट्रीटी है इनके द्वारा साइन किया गया है। कौन से ट्रीटी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है? वॉर, AI, NMA या फिर मून माइनिंग की बात की जा रही है? तो यहाँ से आप देख पाओगे USA, ब्रिटेन, EU साइन वर्ल्ड्स फर्स्ट AI ट्रीटी। अब देखिए AI जो है ना बहुत कमाल का काम कर रहा है। देखिए अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो मैं ना ChatGPT का यूज़ करता हूँ, ChatGPT का यूज करता हूँ, और वहां से मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा लेता हूँ। अब 5000 वर्ड में जो है ना ये विद इन सेकेंड्स मेरे लिए डिस्क्रिप्शन तैयार कर देता है बिल्कुल सटीक। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप भी YouTube वगैरह चैनल चला रहे हो तो वहां से जो है आप ChatGPT का यूज कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। IIT दिल्ली कैंपस इनोग्रेट इन, जो IIT दिल्ली का कैंपस है, देखिए शायद पिछले APS में यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूल के करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाया था कि टोटल 27 शायद, टू बी प्रिसाइज, अगर आप एक बार देख लेना, और किन्हीं को अगर आंसर पता हो तो नीचे कमेंट करके बता देंगे कि टोटल कितने जो है IIT भारत अलग अलग कंट्री में ओपन करने वाला है। अब यहां से पूछ लिया गया है पहली बार किस कंट्री में जो है ये इनॉग्रेट हो चुका है, मस्कट में, अबू धाबी में, बीजिंग में या दुबई में? तो इसका सही आंसर देखिए अबू धाबी होना चाहिए। यहाँ से आप देख पाओगे अबू धाबी ही है। यहाँ से देखिए 52 स्टूडेंट का ये बैच है, और देखिए IIT अपने आप में बहुत बड़ा नाम हो चुका है, तो इंटरनेशनली भी, तो ये अच्छी बात है कि हम लोग जो है अलग 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 जगहों पे इसे ओपन भी करने वाले हैं, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, इंडिया एंड डैश इंक पैक्ट ऑन सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन। इंडिया और कौन सा वो देश है जो कि सबमरीन के रेस्क्यू ऑपरेशंस को जो है करने वाला है? रसिया, साउथ अफ्रीका, जापान या फिर चाइना? तो देखो चाइना का नाम तो आप ऐसे भी हटा सकते हो, चाइना और हम लोगों के साथ जो है दोस्ती बिल्कुल क्षतिज का आंकड़ा है, हम लोग पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर सकते हैं, बट चाइना जिस तरह से जो है एग्रेसिव नेचर दिखाता है, आई डोंट थिंक कि हम लोग उसमें जो है कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से आप आर्टिकल देख लीजिए, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका
इंपैक्ट ऑन सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशन, यहाँ से जो है एक फोटो भी देख पाओगे। और ये 4 सितंबर की न्यूज है, देख रहे हो मैं कितना लेटेस्ट आपके लिए करंट अफेयर्स करा रहा हूँ। 20 का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये रहा एक्सरसाइज वरुणा रिसेंटली सीन इन द न्यूज द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। देखिए क्वेश्चन दो दो जो है पूछे जा सकते हैं। एक्सरसाइज वरुणा जो है किस किस दो देशों के बीच में जो है कराया जाता है, एक तो इंडिया हो गया, दूसरा कौन सा कंट्री है। आर्टिकल देखिए समझ में आ जाएगा, इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड फ्रांस बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा, याद रखिएगा वरुणा जो है कराया जा रहा है। इसे जो है आप देख पाओगे मेडिटेरियन सी में जो है ये जो है इंडिया और फ्रांस करने वाला है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, डी के साथ आप आगे बढ़ोगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये रहा अगला सवाल देखिए क्या है, विच कंट्री डिड द इंडियन एम्बेसी रेस्क्यू 47 इंडियंस हु वर ट्रैप्ड इन साइबर क्राइम कंट्री। देखो ये एक्चुअली क्या था ना कि इस कंट्री में इंडिया के लोगों को जॉब के लिए बुलाया जाता था और अपने ही फेलो इंडियंस को, अपने ही देश के लोगों को लूटने के लिए कहा जाता था। अलग अलग ढंग से मैसेज भेजकर लिंक जो है वहाँ पे भेज दिया जाता था कि आप इस पर क्लिक करो, आपको गाड़ी मिल जाएगा, फ्रिज मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, आपके पैसे डबल हो जाएंगे। इस तरह के जो है ग्रीड से, लालच से जो है लोगों को ठगा जा रहा था। अब यहाँ पे एक्चुअली देखो जो ठग रहे थे वो भी खुद जो है ट्रैप में फंसे हुए थे, तो 47 इंडियंस को फाइनली इस साइबर क्राइम के जो ट्रैप से है उसे बचाया गया है, लाओस, थाईलैंड, चाइना या फिर वियतनाम। देखिए लाओस जो है ये होना चाहिए, बिल्कुल लाओस साइबर स्कैम कंट्री जो है, यहाँ से 47 अलग अलग 40 इंडियंस को जो है रेस्क्यू कर लिया गया। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ए के साथ आप आगे बढ़ोगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, इन विच रीजन हैज द यूएन लॉन्च्ड अ पोलियो वैक्सीन कैंपेन टारगेटिंग 6,40,000 चिल्ड्रेन। यहाँ से देखिए सवाल क्या बना है कि 6,40,000 चिल्ड्रेन को जो है ये टारगेट करने वाला है यूएन। अब देखो ये अलग अलग कंट्री खुद से काम कर सकती है, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस ना, इन सारे देश जो है अपने लिए पोलियो वगैरह जो है काम कर रहे हैं, कुछ कुछ गरीब कंट्री है वो भी जो है आगे बढ़ ही रही है, ठीक है ना, टाइम टू टाइम आगे बढ़ ही रही है। लेकिन अभी देखो सबसे अलग अलग जगह पे कहाँ कहाँ पे वॉर वगैरह की जो है सिचुएशन है, एक तो रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर हो रहा है, एक उससे भी ज़्यादा खतरनाक इसराइल और कहाँ पे हो रहा है वॉर आपको पता चल जाएगा, फिलिस्तीन में, तो गाजा में भी जिसे आप बोल सकते हो। तो इसका सही जवाब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, गाजा में। और यहाँ से देखिए एक्चुअली क्या हुआ ना कि इसराइल या फिर इसराइल जिसे बोलो आप, वो एग्री कर गया कि ठीक है आप जो है ये कैंपेनिंग वगैरह करो। और फाइनली जो है देखो मैं किसी भी कंट्री के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है ना, तो इसराइल ने यहाँ पे अटैक भी कर दिया था और उनका कहना था कि जो पोलियो वैक्सीन के आड़ में जो है वहाँ पे कुछ स्पाइस वगैरह घुस गए थे जो कि इसराइल के लिए जो है खतरा हो सकते थे, इसलिए इन्होंने इसको हिट कर दिया, ठीक है। यहाँ से आप देख पाओगे इसराइल एग्रीज टू पॉज इन फाइटिंग, गाजा में जो है पोलियो वैक्सीनेशन के लिए जो है लड़ाई रोक देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गाजा, ऑप्शन सी के साथ आप आगे बढ़ जाओगे, गाजा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े, उससे पहले एक क्वेश्चन मैं पूछ लेना चाहता हूँ, गाजा से मुझे याद आ गया, आप बताओ राफा बॉर्डर आपको किन दो कंट्री के बीच में जो है देखने को मिलेगा, राफा बॉर्डर, नीचे कमेंट करके इसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा। अगला सवाल देखिए पूछा गया है, अगला सवाल देखिए आपके सामने क्या है, विच स्पोर्ट्स डिड इंडिया विन सेकेंड गोल्ड मेडल इन द पैरा ओलंपिक। तो इंडिया ने जो है सेकेंड गोल्ड मेडल जो ओलंपिक में जीता है, पैरा ओलंपिक में, किस व्यक्ति ने जीता है, तो नीतीश कुमार ने। यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख पाओगे, नीतीश कुमार ने जो है पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता है, किसमें, बैडमिंटन में, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, बैडमिंटन में इन्होंने ये जीता हुआ है। लक्ष्य सेन हालांकि पेरिस ओलंपिक में वो जो है क्वार्टर फाइनल में हार गए, अदरवाइज वहां से भी एक मेडल आने की पूरी उम्मीद थी। खैर लक्ष्य सेन अभी बहुत यंग प्लेयर हैं, आगे जो ऐसे एथलीट हैं कि अगले बार जो है वो डेफिनेटली हम लोगों के लिए गोल्ड भी लेकर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच कंट्री इन्वाइटेड इंडिया टू अटेंड द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड गवर्नमेंट मीटिंग। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मैं आपको बता देता हूँ, जब सीओ की मीटिंग की बात हो जा रही है यहाँ पे, ठीक है, चाइना में इसका जो है हेडक्वार्टर भी है, तो ये मीटिंग जो है होने वाला है पाकिस्तान में, कहाँ होने वाला है, पाकिस्तान में, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है इन्वाइट करेगा और पाकिस्तान डेफिनेटली किसे इन्वाइट करने वाला है, इंडिया को इन्वाइट करने वाला। अब देखिए यहाँ पे पीएम मोदी जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये जो है समय के घर में छिपा हुआ है, तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ से देख पाओगे आप आर्टिकल भी है द इंडियन एक्सप्रेस की, पाक इन्वाइट्स मोदी टू एससीओ मीटिंग इन इस्लामाबाद। कहाँ पे होने वाला है, इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल भी है। रिसेंटली विच कंट्री डिक्लेयर्ड दैट इट विल बी चेंज इट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। देखो एक्चुअली न्यूक्लियर वेपन को लेकर जो है अलग अलग कंट्री के पास अलग अलग जो है थ्योरीज वगैरह है। अब यहाँ से आपसे पूछा गया है कि कौन से कंट्री जो है, यहाँ पे रसिया की बात हो रही है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रसिया की बात की जा रही है। अब देखिए रसिया ने क्या कर दिया,
रशिया ने जो है क्या कर दिया है, एक्चुअली इन्होंने कह दिया कि अगर यूक्रेन में जो जो चीज़ें हो रही है यूक्रेन में, अगर वेस्ट जो है, वेस्ट यानी कि अमेरिका और जो फ्रांस वगैरह यूके वगैरह जो है यहाँ पे जिस तरह से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, तो ये फर्स्ट यूज पॉलिसी को भी ख़त्म कर सकते हैं। एक्चुअली रशिया ने कह रखा कि अगर कोई देश मेरे ऊपर अटैक करेगा तभी मैं जो है न्यूक्लियर वेपन को यूज़ करूँगा, लेकिन इन्होंने कह दिया कि अगर ये सब चीज़ें होती रही तो हम लोग जो है इस ट्रीटी को भी तोड़ने के लिए तैयार हैं, इस अनाउंसमेंट को भी ख़त्म कर देंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, विच कंट्री रिसेंटली बैंड एक्स, यानी कि ट्विटर, इसका नाम भी है। देखिए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक्स के जो है, एक्स का जो ट्विटर का जो है नया नाम क्या है, या फिर एक्स जो है किस कंपनी का जो है नया नाम है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ट्विटर है। अब देखिए किस कंट्री ने इस पर बैन लगा दिया, तो देखिए ब्राज़ील में ये जो है बैन आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पर, ब्राज़ील में। और इसका रीज़न देखिए क्या है, इसका रीज़न ये है कि ट्विटर पे जो है यहाँ पे इसका जो है कहा गया कि एलन मस्क जो है, इलन मस्क का जो डिसीजन है उससे, एक्चुअली इलन मस्क यहाँ पे जो है, इलन मस्क ने ट्विटर को 100% जो है इनकी ओनरशिप है यहाँ पे, इन्होंने कहा कि ये जो है पॉलिटिकल मोमेंट है, ये अच्छी बात नहीं है। और ब्राज़ील में 40 मिलियन लोग जो है ट्विटर को यूज करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। देखिए ये आपको चाइना में भी बैन दिखेगा, कौन, एक्स, एक्स अकाउंट जो है वो चाइना में बैन दिखेगा, रशिया में, ईरान में और अदर कंट्री में भी है, तो ब्राज़ील भी इसमें शामिल हो चुका है। और ये जो वॉइस ऑफ अमेरिका है, देखिए जो लोगो आपको दिख रहा है, वॉइस ऑफ अमेरिका की लोगो है, और वॉइस ऑफ अमेरिका जो है देखिए जिसे इंडिया में आकाशवाणी है, ये गवर्नमेंट जो है उसको चलाती है, बीबीसी यूके चलाती है, तो वॉइस ऑफ अमेरिका का जो है ये अमेरिका यानी कि यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे पैसे खर्च करती है इस एजेंसी को चलाने के लिए। अगला सवाल देखिए क्या है, सबीना सोल रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच सी, यानी कि सबीना सोल जो है किस सी में आपको देखने को मिलेगा, ये सवाल है आपसे। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन, रेड सी, कैस्पियन सी, साउथ चाइना सी या फिर अरेबियन सी, इन चारों ऑप्शन में से देखो यहाँ पे जो है सबीना जो है सोल आपको इसका सही जवाब देखने को मिल जाए। एक मिनट, वेट अ मोमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, सबीना सॉल इसका जो राइट आंसर है दोस्तों यहां से आपको दिखेगा, इज इट लोकेटेड इन विच सी, यानी कि किस सी में आपको ये देखने को मिलेगा, रेड सी, कैस्पियन सी, साउथ चाइना सी या फिर अरेबियन सी में। तो देखिए इसका आंसर आपको यहां से दिख जाएगा, इस टाइटल को अगर आप पढ़ोगे तो यहां पे देखो, साउथ चाइना सी, चाइना वॉन्स फिलीपींस अगेंस्ट आफ्टर थर्ड कोलिजन एट सबीना सॉल, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, साउथ चाइना सी। अब देखिए दिक्कत वाली बात क्या है ना कि फिलीपींस कहता है कि ये हमारी टेरिटरी है, इस पर मेरा अधिकार है, और चाइना का कहना कि ये मेरा जो है मेरे अंतर्गत आता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको बस ये बताना है, एक्चुअली क्लास टेंथ के एनसीईआरटी वाली बुक में आपको दिखेगा कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है इसे कहा जाता है, एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, ये कितने नॉटिकल माइल तक होता है, नीचे कमेंट करके इसके बारे में बताइएगा। हो सकता है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन के तहत अंतर्गत जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। फिलहाल अगला सवाल देखिए क्या है, इंडिया हैज़ इंक्ड अनदर डील फॉर 73,000 असॉल्टेड राइफल्स विथ विच कंट्री, यानी कि 73,000 जो है असॉल्ट राइफल्स इंडिया लेने वाला है। अब देखिए पूछा गया है किस कंट्री से ये लेने वाला है, एक एक करके अगर ऑप्शंस को देखोगे, फ्रांस, इसमें आपको रशिया भी दिखेगा, इसराइल भी दिखेगा, यूएसए भी दिख आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसका सही देखिए जवाब हो जाएगा यूएस, यानी कि अमेरिका से हम लोग खरीदने वाले हैं। देखिए आप लोग ना जब भी चीज़ों को देखो तो आप एक बात याद रखना, अमेरिका जो है हमेशा से वेपन बेचने के लिए तैयार है, और अमेरिका कभी भी ना पूरे वर्ल्ड में पीस नहीं लाना चाहता है। ये देखो जब इंडिया मजबूत होने लगेगा तो ये पाकिस्तान को आर्म बेच देगा, अब देखो पाकिस्तान जो है ज़्यादा, चाइना अभी देखो ताकतवर हो रहा है तो ये इंडिया की तरफ आ रहा है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ये जो यूएसए है इसके लिए एक वर्ड है, शायद उसे नहीं बोलूंगा मैं, फिलहाल हिपोक्रेट से काम चला लूंगा। तो ये अमेरिका बहुत ही हिपोक्रेट है और ये बार बार जो है गलतियां करता है, इसके लिए हिंदी में शुद्ध वर्ड है मैं यूज नहीं करना चाहता हूं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहां से आप आर्टिकल भी देख पाओगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, इंडिया इंक्स अनदर डील फॉर 73,000 असॉल्ट राइफल्स फ्रॉम यूएसए, ठीक है। अगले सवाल की हम लोग बढ़ेंगे, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी का न्यू चेयरमैन कौन है जो सक्सीडिंग करेगा जॉर्ज बार्सली को। देखिए इसका सही जवाब जाएगा जैसा इंडिया के जो बीसीसीआई है उनके सचिव भी रह चुके थे, सेक्रेटरी रह चुके थे, अब वो जो है आईसीसी के चेयरपर्सन बनेंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नीचे कमेंट करके आप लोग बताएंगे। अगला सवाल देखिए आपके सामने, उससे पहले यहाँ से आर्टिकल भी पढ़ लो आप, जैसा इलेक्टेड अनअपोज्ड का मतलब था किसी ने भी विरोध नहीं किया और डायरेक्ट ये बन गए, ठीक है, बिल्कुल अमित शाह के बेटे
का जो है इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल डीएनए वाला एग्जांपल दिया है। इंडियन नेवी रिसेंटली गॉट सेकंड न्यूक्लियर पावर सबमरीन, उसका नाम क्या है आपसे ये पूछा गया है। सेकंड पावर सबमरीन जो इनको मिला हुआ है न्यूक्लियर पावर सबमरीन, इसका नाम क्या है? आईएनएस युद्ध, आईएनएस अरिघाट, आईएनएस अग्नि, आईएनएस शक्ति। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं यहां से आपको द प्रिंट का आर्टिकल दिखाऊंगा तो यहां से आपको दिखेगा इसका जो सही नाम है आईएनएस अरिघाट का है, ऑप्शन नंबर बी में है। वेट अ मिनट, मैं आपको आर्टिकल भी दिखा देता हूं। ये देखो ये जो है द प्रिंट के आर्टिकल है और यहां से आप देख पाओगे ये रहा आईएनएस अरिघाट। ठीक है, अगले सवाल की हम लोग बढ़ेंगे। इंडिया टू सेट अप न्यू स्मार्ट सिटीज विथ अ 28,000 करोड़ आउटले, इंडिया जो है यहां पे जो है स्मार्ट सिटीज है इसको सेट करने वाला है। अब आपसे पूछ लिया गया कितने नए स्मार्ट सिटीज को ये जो है सेट करने वाला है। अब देखिए अश्विनी जो अश्विनी वैष्णव हैं उन्होंने जो है इसकी अनाउंसमेंट करी है, वो रेलवे मिनिस्ट्री को भी संभालते हैं और जो नए अर्बन सिटीज़ का जो प्लान है उसकी मिनिस्ट्री को भी वही संभालते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट ने टोटल जो है 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ को यहाँ पे अप्रूव किया है। इसके लिए जो है टोटल 28,000 करोड़ से भी ऊपर का जो है पैसा यहाँ पे खर्च किया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। यहाँ से आप देख पाओगे द इंडियन एक्सप्रेस की जो आर्टिकल है उसे भी आप देख पाओगे, इंडियन कैबिनेट या फिर उसे जो बोलो कैबिनेट अप्रूव्स 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज टू इन्वेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। विच सिटी रिसेंटली बिकम द बिलेनियर्स कैपिटल ऑफ एशिया, किस सिटी को जो है बिलेनियर सिटी ऑफ एशिया कहा जाता है, ये बहुत रिसेंटली न्यूज में है और इंडिया से ये जो है रिलेटेड भी है। ऑब्वियसली मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ और जो है बीजिंग को हम लोगों ने पीछे छोड़ा है। किसे? बीजिंग को। यहाँ से आप आर्टिकल को भी देख पाओगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मुंबई ओवरटेक बीजिंग एज अ एशियाज बिलेनियर कैपिटल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, यानी कि हम लोगों ने सबसे बड़े सिटी को भी पीछे छोड़ दिया जिसका नाम बीजिंग है। अगला सवाल, टू विच कंट्री डिड इंडिया प्रेजेंट 4 भीष्म क्यूब एज पार्ट ऑफ द ह्यूमेटेरियन एफर्ट। देखिए ह्यूमेटेरियन एफर्ट के तहत हम लोग जो है अभी हमारे देश के जो पीएम हैं वो कहाँ गए थे? वो गए थे यूक्रेन, और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जेलेंस्की की। तो जेलेंस्की को इन्होंने जो है गिफ्ट किया है भीष्म। एक्चुअली ये भीष्म क्यूब क्या है इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। सपोज कर लो कि आपको वॉर में हो आप और आपको जो है तुरंत किसी का ट्रीटमेंट करना है, कहीं पर हॉस्पिटल खोलना है, तो आप यहाँ पर तुरंत इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये भीष्म क्यूब है। अब बोलोगे रसिया हम लोगों से नाराज नहीं हो गया क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं नाराज होगा, क्योंकि रसिया से हम लोगों ने बहुत सारा जो है क्रूड ऑयल परचेज किया है। अगला सवाल, और हम सभी का प्यारा टेलीग्राम के बारे में है, एंड मुझे बहुत दुख हुआ था कि टेलीग्राम बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि टेलीग्राम के साथ बहुत गड़बड़ है। टेरर फंडिंग की बात की जाए या फिर जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है और बहुत सारे जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो जो कि टेलीग्राम के लिए खराब इमेज है। बाकी टीवी सीरीज या फिर मूवी वगैरह आपको बहुत आराम से मिल जाता है, आप जो है ज़्यादा स्टोरेज की वीडियोस को जो है या फिर फाइल को जो है एक दूसरे को ट्रांसफ़र भी कर पाते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। टेलीग्राम जो है इसमें बहुत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा जो है आपको कोई और सोशल मीडिया देखने को नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे जो है मूवी वगैरह भी जो है आपको देखने को मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो फिलहाल पूछा गया है कि इन विच कंट्री वाज टेलीग्राम फाउंडर पावेल दर्बो अरेस्टेड ओवर एक्विजिशन रिलेटेड टू द इलीगल कंटेंट ऑन प्लेटफॉर्म। तो देखिए इनको जो है ये रहा फ्रांस में जो है इनको अरेस्ट कर लिया गया था। एक्चुअली जानते हो उनको अरेस्ट कैसे किया गया? एक कन्या के चक्कर में, हनी ट्रैप टू बी प्रिसाइज अगर मैं बोलूं तो, हनी ट्रैप में जो है इनको फंसा लिया गया था और फाइनली इनको रिलीज भी कर दिया गया। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब है। लेकिन टेलीग्राम जो है अभी रेडार पर है और जल्द ही जो है कुछ और देशों में जो है इसे बैन भी किया जाएगा। इंडिया भी इसमें है, अब इंडिया में इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जैसे कुछ लिंक मिलता है तो इसे जो है फाइनली। एक्चुअली देखिए होता क्या है ना कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये जो है गवर्नमेंट के साथ डेटा शेयर करती है, लेकिन टेलीग्राम किसी के साथ डेटा शेयर नहीं करती है, इसलिए जो है टेलीग्राम पे जो है नकेल कसने की शुरुआत की जा रही है। अगला सवाल देखिए क्या है, विच कंट्री रिसेंटली को होस्ट और कॉन्फ्रेंस ऑन ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन विथ यूरोपियन यूनियन, यानी कि वो कौन सा देश है जो कि को होस्ट करने वाला है कॉन्फ्रेंस को जो कि रेडिकलाइजेशन हो रहा है वहाँ पे यूरोपियन यूनियन के साथ इसे जो है करने वाला है। यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है, जापान, चाइना, इंडिया या फिर फ्रांस। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिया। इंडिया जो है इसे को होस्ट करने वाला है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, इंडिया रिसेंटली साइंड SOSA एग्रीमेंट विथ विच मेजर कंट्री, किस देश के साथ हम लोगों ने जो है SOSA जो है साइन किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूएस के साथ। ये जो है यूएस के साथ, एक्चुअली ये डिफेंस डील है,
ये जो है डिफेंस डील है। देखिए यूएसए जो है डिफेंस डील सभी देशों के साथ नहीं करता है, तो इंडिया जो है बहुत गिने चुने देशों में है जो रशिया के साथ भी डील कर रहा है, फ्रांस के साथ भी डील कर रहा है और साथ ही साथ यूएसए के साथ भी डील कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, विच कंट्री डिड 2024 डायमंड लीग इवेंट टेक प्लेस, यानी कि डायमंड लीग है। देखिए एक्चुअली क्या है, यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता हुआ है फिर से, ठीक है, और पूछा गया कि कहाँ पर ये जो है डायमंड लीग हुआ था, डायमंड लीग कहाँ हुआ था। पिछले बार के भी डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा के द्वारा यहाँ पे सिल्वर मेडल ही जीता गया था, तो ये थोड़ी सी देखो एक्चुअली क्या ना कि विराट कोहली नीरज चोपड़ा इतना इन्होंने अपने स्टैंडर्ड को हाई कर रखा कि इनके 50 या फिर सिल्वर मेडल को भी हम लोग जो है डिसअपॉइंट बोलते हैं, समझ लो इन्होंने कितना हम लोगों के लिए एक्सपेक्टेशन हाई करके रखा हुआ है, तो ये ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं। फिलहाल इसका जो आंसर है वो कहाँ पे होने वाला है ये पूछा गया, तो नीरज चोपड़ा जो है ये आपको देखने को मिलेगा, वेट अ मोमेंट मैं दिखा देता हूँ, बट यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेल्जियम। ये कहाँ होने वाला है, बेल्जियम में ये होने वाला है, इसे याद रखिएगा आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, बेल्जियम इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, बेल्जियम में ये होने वाला है, बेल्जियम इज द राइट आंसर। फिलहाल चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो ये होने वाला है। अगला सवाल देखिए क्या है, इन विच इंडियन स्टेट वॉज अ रिसेंट केस ऑफ पोलियो रिपोर्टेड, यानी कि इस राज्य में इस स्टेट में जो है पोलियो की जो है एक रिपोर्टिंग हुई है। अब पूछा गया है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, हेल्थ अलर्ट भी किया जा रहा है कि पोलियो कैसे आ गया, हम लोगों ने पोलियो खत्म कर दिया है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आसाम मेघालय मणिपुर या सिक्किम। देखिए आपके घरों के आसपास अगर कोई लोग है जो कि उतने पढ़े लिखे नहीं है और पोलियो वगैरह से जो है दूर रहते हैं, तो प्लीज़ ये आपकी ड्यूटी है कि उनको कन्विंस करें और पोलियो का टीका उन तक जरूर पहुंचाएं। तो फिलहाल इसका जो आंसर है दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में जो है पोलियो का जो एक मरीज है वो पाया गया है। अगला सवाल देखिए, विच कंट्री डिड इंडिया एलिब्रेट इट्स रिलेशनशिप टाइज विथ अ कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, थाईलैंड, ब्रुनोई, नॉर्थ कोरिया या फिर मलेशिया, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया के साथ हम लोगों की जो रिलेशनशिप है वो हमेशा से बहुत आगे है, तो इसे जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भी हम लोग बदलने वाले हैं, किसके साथ, डी के साथ, और यहाँ पे इंडियन पीएम और जो मलेशिया के प्रेसिडेंट हैं उनकी फोटो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी, यहाँ से जो है द इकोनॉमिक टाइम्स की भी जो आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, टू विच कंट्री हैज इंडिया सेंट अ कंसाइनमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1400 केजी ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स फॉर द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, देखिए हम लोगों ने जो है 1400 ग्राम का सॉरी केजी का जो है एंटी कैंसर ड्रग्स इस देश को भेजा है, तो इसका सही जवाब देखिए क्या हो जाएगा, ये जो है हम लोगों ने सीरिया में भेजा है। देखिए सीरिया में भी जो है बहुत सारे लोग हैं, अब जानकर आप हैरान हो जाओगे ना, सीरिया में एक छोटे से बच्चे के कारण वहाँ पे जो है सिविल वॉर छिड़ा हुआ है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारी पार्टीज है। आप जो है सीरिया में जो ये चीज़ें कैसे हुई है एक बार यूट्यूब पे या फिर गूगल पे आप सर्च करना, आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि छोटी सी बात से जो है बहुत कुछ हो जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, विच कंट्री बैंड कुलनी फाउंडेशन फॉर द जस्टिस, अब देखिए जो है ये कुलनी फाउंडेशन जो है जस्टिस और इसे किस कंट्री ने अपने यहाँ पे जो है बैन कर दिया है, अब जो है ये यूएस की फाउंडेशन है, कहाँ की, यूएस की फाउंडेशन है, तो ऑब्वियसली आपको देखिए एक हिंट तो आपको मिल चुका होगा, यूएसए का दुश्मन कौन है, पाकिस्तान, तो ये जो है इसका तो पालतू कुत्ता है, चाइना ऑब्वियसली दुश्मन है, यूक्रेन इसका दोस्ती है, तो दो ऑप्शन तो आप ऐसे भी यहाँ पे इलिमिनेट कर सकते हो कि पाकिस्तान और यूक्रेन होगा नहीं, तो फिलहाल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, रसिया इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्टिकल को भी देख सकते हो, यहाँ पे रसिया डिक्लेयर यूएस कुलनी फाउंडेशन एंड इनडिजायरेबल ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल है पॉइंट ग्रैन सिनवांत्रा, देखिए नाम पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है प्रोनाउंसिएशन में, बट कोई बात नहीं, रिसेंटली बिकम द न्यू पीएम ऑफ विच कंट्री, देखिए ये महिला बनी हुई है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सवाल यहाँ से बनेगा, क्या क्या है सवाल एक एक करके देख लेते हैं, कोलंबिया, थाईलैंड, जापान या फिर ताइवान, इसका सही देखिए आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ से आप देख पाओगे ऑप्शन नंबर थाईलैंड कहाँ है, वेट अ मिनट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, थाईलैंड की ये जो है ये प्रेसिडेंट सॉरी पीएम बन चुकी है। अगला सवाल देखिए क्या है, विच कंट्री हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस द M-174B एन एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल इन द इंडो पैसिफिक, किस देश ने ये जो है इंट्रोडक्शन करी है, इसका देखिए सही जवाब क्या हो जाएगा, ये यूएस नेवी के द्वारा ये किया गया है, किसके द्वारा, यूएस नेवी के द्वारा ये काम किया गया है,
ठीक है, कहां पर, इंडो पैसिफिक रीजन में है। देखिए यहां पे चाइना को काउंटर करने के लिए ना क्वाड कंट्री का जो है गठन किया गया था। क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं, क्वाड की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका देखने को मिलेगा। चार कंट्री ने मिलकर क्वाड की स्थापना की है। विच कंट्री बिकम द 18th मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन कमांड UNC इन साउथ कोरिया। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो है 18th मेंबर यहां पे बना हुआ है, तो देखिए जर्मनी कहां है, ऑप्शन नंबर सी में। जर्मनी यहां पे जो है 18th मेंबर बन चुका है, किसका, यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट का, ठीक है, जो कि साउथ कोरिया में है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, हु पास्ड अवे एट 84 वाज द फादर ऑफ अग्नि मिसाइल एंड फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ ASL। अभी 84 के एज में जो है अग्नि मिसाइल इन्होंने बनाया था इंडिया में, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अब हाल में ही जो है इनकी डेथ हो गई है। आपसे पूछा गया है इनका नाम क्या था, तो देखिए आर एन अग्रवाल, फादर ऑफ अग्नि मिसाइल इनका द्वारा किया गया था और ये ट्रू पैट्रियट है, देशभक्त हैं ये, इनका नाम बिल्कुल याद रखा जाएगा हमारे द्वारा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विच कंट्री इज सेट टू रिसीव अ UN फैक्ट फाइंडिंग टीम टू इन्वेस्टिगेट ह्यूमन राइट्स अब्यूज ड्यूरिंग द पॉलिटिकल टर्मोइल। देखिए अब कौन सी कंट्री जो है UN की फैक्ट फाइंडिंग टीम जाने वाली है, पूछा गया है आपसे सवाल, इंडिया, जापान, UAE या फिर बांग्लादेश। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख पाओगे UN कहाँ है, ऑप्शन UN जो है टीम भेजने वाली है कहाँ पर, बांग्लादेश में। एक्चुअली यहाँ पे जो है आपको पता होगा कि शेख हसीना को यहाँ से जो है हटा दिया गया है और वहाँ पे जो है एक अंतरिम जो है गवर्नमेंट की स्थापना की गई है, जिसमें कि बहुत सारे जो है यूसुफ के बारे में आपने पढ़ा होगा, यूसुफ को यहाँ पे जो है अभी फिलहाल के लिए एक्टिव प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन अब देखो ये जो है ना बिल्कुल एक सरदर्द है आपके लिए और हमारे लिए भी, कि अब पाकिस्तान के साथ साथ हम लोगों को बांग्लादेश के ऊपर भी नज़र रखनी होगी और बहुत गहरी नज़र रखनी होगी। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन। अब देखिए इंडिया की ओर से जो नए एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशन के, किन्हें बनाया गया है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो देखिए पी हरीश इज द राइट आंसर, पी हरीश को यहाँ पे जो है यूनाइटेड नेशन का इंडिया की ओर से एम्बेसडर बनाया गया है। अगला सवाल देखिए क्या है, हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन जो है कितने देशों के पास है, तो देखिए ये 9 कंट्री है। आप अगर विकिपीडिया के पेज पे जाओगे तो आपको 9 कंट्री देखने को मिलेगा। सी इसका सही जवाब है। हालांकि इसराइल जो है बोलता कि उसके पास वो ना, वो बोलते हैं ना कि ना ही इजहार करता है ना ही इकरार करता है, तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 कंट्री है यहाँ पे। अगला सवाल देखिए क्या है, इंडिया एंड डैश लॉन्च न्यू वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर एट IIT मद्रास। वो कौन सा देश है जिसने ये जो टेक्नोलॉजी है लॉन्च किया है, तो आपको याद होना चाहिए कि PM मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू, जब नेतन्याहू इंडिया आए थे तो उन्होंने एक मोदी जी को जो है एक छोटी सी जो है गाड़ी जो है गिफ्ट की थी। वो क्या है ना कि जो खारा पानी है, सॉल्टी वाटर है, उससे जो है प्योर वाटर निकालेगा, 7.0 जो है उसकी pH जो है होगी वैल्यू। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है, इसराइल के द्वारा किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब सक्सेसफुली टेस्टेड बाय द DRDO फ्रॉम द SU-30 MK-1 फाइटर जेट। ये बॉम्ब का जो है ये निरीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा, अब उसका नाम क्या है ये आपसे पूछ लिया गया है, नाम आपको बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा गौरव, ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, गौरव इज द राइट आंसर। गौरव के साथ आप आगे बढ़ोगे। अगला सवाल देखिए क्या है, ऑन विच डेट द पार्टीशन हॉरर रिजेंबल डे ऑब्जर्व बाय एनुअली इन इंडिया। देखिए जो पार्टीशन हुआ था 1947 में, किस डे को हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं, तो देखिए इसका सही जवाब देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से आप देख पाओगे 14th, कहाँ है 14th अगस्त। एक्चुअली पाकिस्तान इस दिन जो है अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है और हम लोग जो है इसे एक्चुअली बहुत सारे लोग निर्दोष जो इनोसेंट लोग हैं उनकी यहाँ पे डेथ हुई थी। आगे बढ़ेंगे, द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंडिपेंडेंस डे इज, यानी कि इस बार जो है स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने मनाया, इंडिपेंडेंस डे मनाया, इसका थीम क्या था, तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख पाओगे इस बार का जो थीम था विकसित भारत @2047, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। हम लोगों ने कहा कि हम लोग जो है विकसित देश में जो है डेवलप्ड कंट्री में शामिल हो जाएंगे 2047 में। अगला सवाल देखिए क्या है, रिसेंटली द वर्ल्ड ओल्डेस्ट कैलेंडर वॉज डिस्कवर्ड। दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर जो है खोजा गया, शायद ये रसिया होगा, मैं एक बार देख लेना चाहता हूँ, वेट अ मिनट, इसका जो ये बिल्कुल यहाँ से आप देख पाओगे, फाउंड इट लॉन्ग डिजास्टर, वेट अ मिनट, यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो है कहाँ पर ढूंढा गया था इसे, एक मिनट मैं आपको देख कर बताता हूँ, वेट अ मिनट, आंसर नहीं है एक्चुअली, इसका सही आंसर है टर्की,
ठीक है, टर्की में ढूंढा गया था, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, आप जो है बी के साथ आगे बढ़ोगे। अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन दैट इज सेड टू बी कमीशन्ड, यानी जो है इसे काम में लाया जाएगा, इंडिया का सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, INS हिंद, INS चक्र, INS शांति या फिर INS अरिघट। देखिए इसके बारे में एक और सवाल हम लोगों ने कर रखा है पहले से ही, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, INS अरिघट इज द राइट आंसर। इसके साथ आप आगे बढ़ोगे, डी के साथ आप आगे बढ़ोगे, यहाँ से आप जो है इंडिया टुडे की आर्टिकल को भी देख पाओगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ये मैंने आपको 50 क्वेश्चंस करा रखा है, ठीक है, जो कि अगस्त और सितंबर के बहुत इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर